बीजेपी शासित तीन राज्यों में बीजेपी को मिली करारी हार की गूंज विदेशों में भी सुनाई दे रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी और अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह से बीजेपी का विजय रथ चला, उस पर 2018 के आखिर में कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया। शायद ही किसी को उम्मीद थी कि 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी तीन बड़े राज्य अपने हाथ से गंवा देगी। यही वजह है कि ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर सुर्खियां बन गई। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में सवाल किया है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल में हैं? अखबार के मुताबिक 4 साल पहले मोदी ने भारी भरकम वादों के साथ सत्ता हासिल की, लेकिन आम चुनाव से पहले 5 राज्यों में बड़ी हार देखने को मिली है। ऐसा लगता है कि कभी न हारने वाली ब्रांड मोदी की चमक धीमी पड़ गई। वहीं ब्रिटेन की द गार्डियन अखबार ने लिखा है कि हिंदी हार्टलैंड में हुए चुनावों में नरेंद्र मोदी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने आम चुनाव के पहले पार्टी की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तान के द डॉन अखबार के मुताबिक इन चुनावों को 2019 के आम चुनावों के लिए होने वाले जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है। इस हार ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। चीन के सरकारी अखबार शिन्हुआ ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि ये नतीजे भारत की राजनीति के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि अगले साल होने वाले आम चुनाव पर इनका प्रभाव पड़ सकता है। वहीं ये भी लिखा है कि इन नतीजों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इनसे साफ होगा कि वो लोगों के बीच कितने फेमस हैं।